हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ क्लास फिफ्थ, दैट इज एनिमल एडेप्टेशन। एनिमल यानी जानवर, एडेप्टेशन यानी अनुकूल, अनुकूलन मतलब एनिमल जानवर इन्वायरमेंट में कैसे, एनवायरनमेंट को कैसे अडॉप्ट कर पाते हैं अपने अनुकूल, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। द एनिमल किंगडम इज वेरी ह्यूज। जो एनिमल किंगडम है यानी जो एनिमल का ग्रुप है, एनिमल का समूह है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। ह्यूज मतलब बड़ा है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल होते हैं इस ग्रुप में। दीज आर, ये होते हैं मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, फिश, रेप्टाइल एंड माइक्रोब्स। ये होते हैं मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, फिश, रेप्टाइल एंड माइक्रोब्स। ये जो होते हैं स्टूडेंट, ये एनिमल के किंगडम के ग्रुप्स के नाम हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दे हैव डिफरेंट हैबिटेट, बिहेवियर एंड बॉडी हैबिटेट। इनकी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। हैबिट यानी आदत होती है, बिहेवियर होते हैं और बॉडी की हैबिट डिफरेंट होती है हर डिफरेंट ग्रुप्स की। ओके स्टूडेंट, दे आर फाउंड इन वाटर, ऑन लैंड एंड एयर। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हमें पानी में मिलेंगे, कुछ हमें लैंड पे मिलेंगे, कुछ हमें एयर में मिलेंगे यानी हवा में मिलेंगे। दे लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंडिंग। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंडिंग में हमें पाए जाते हैं। सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट, आसपास के एरिया। द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लीव्स एंड ग्रो इज नोन एज हैबिटेट। वो सराउंडिंग जिसमें एनिमल ग्रो करता है, रहता है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। मतलब कोई भी एनिमल जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उस इन्वायरमेंट को अपने अनुकूल बनाता है, उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं। ओके, जैसे कि फिश, फिश पानी में रहती है। अब फिश को अगर मैं बाहर रखूंगी जमीन पे तो वो नहीं रह पाएगी। तो फिश पानी में रहती है, तो फिश का हैबिटेट क्या है? पानी में रहना। ठीक है, एनिमल दैट लिव इन ए हैबिटेट शेयर सम कॉमन एडेप्टेशन। वो एनिमल जो कि अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग रहते हैं, उसको हम एडेप्टेशंस कहते हैं। एडेप्टेशन यानी अनुकूलनीय कहते हैं। दे हैव ऑर्गन ऑफ ब्रेथिंग, फीडिंग, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट विच आर सूटेड टू देयर हैबिटेट। इनके पास डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जिससे वो ब्रीथ कर पाते हैं, फीड कर पाते हैं यानी खा पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं यानी बर्थ दे पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग। लेट अस स्टडी द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। चलिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल के हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे ब्रीथिंग होती है, अब हम उस बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल ब्रेथ इन डिफरेंट वे। जो डिफरेंट एनिमल है वो डिफरेंट वे में ब्रेथ करते हैं। ऑल एनिमल नीड एनर्जी टू कीप देयर सिस्टम वर्किंग। सभी एनिमल्स को जरूरत होती है अपने सिस्टम को वर्क सही तरीके से करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आई रिपीट, ऑल एनिमल, सभी एनिमल को एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। दे नीड एनर्जी टू डू वर्क। एनिमल्स को एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो काम कर सके। टू गेट ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर डेली एक्टिविटी, और साथ ही साथ वो अपनी सारी डेली एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से कर सके, इसलिए उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। एनिमल नीड ऑक्सीजन टू बर्न द फूड विद इन देयर बॉडी। एनिमल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि जो उनके अंदर फूड है उसको वो यूज कर सके। एनिमल गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। एनिमल को ऑक्सीजन उनके सराउंडिंग यानी वातावरण से मिलता है। लैंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर द एयर वाइल फिश एंड एक्वेटिक एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। जो लैंड एनिमल होते हैं, जो एनिमल लैंड पे रहते हैं, वो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। फिश और एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल स्टूडेंट जो पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, वो ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं।
चलिए अब पढ़ते हैं ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कौन कौन से ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल ब्रेथ थ्रू लंग्स, जो एनिमल है वो अपने लंग से ब्रेथ करते हैं। लंग यानी क्या होता है, लंग फेफड़े, फेफड़े से ब्रेथ करते हैं। एनिमल लाइक मैमल, एनिमल जैसे कि मैमल, मैमल यानी कोई भी छोटा सा इंसेक्ट जो होता है उसे हम मैमल कहते हैं। बर्ड, चिड़िया, रेप्टाइल, रेप्टाइल जैसे कि आपकी मगरमच्छ, छिपकली, ये सब रेप्टाइल ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट्स। ये ब्रेथ करते हैं अपने लंग से। लंग कंप्रेसिस ऑफ स्पॉन्जी इलास्टिक बैग, जो लंग है, लंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी यानी बहुत ज़्यादा छोटा सा है और बिल्कुल इलास्टिक की तरह है, मतलब फूलता बढ़ता रहता है, तो इसलिए हमने बोला कि बिल्कुल इलास्टिक बैग की तरह है। द एटमोस्फेरिक एयर फिल दिस बैग व्हेन दे ब्रेथ इन, जो एटमोस्फेरिक एयर होता है वो एटमोस्फेरिक एयर फिल दिस बैग, एटमोस्फेरिक एयर जो होता है वो इस बैग को फिल कर देता है। जब भी हम ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो बैग के अंदर हवा भर जाती है, जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो जो ये बैग होता है ये पिचक जाता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इलास्टिक बैग। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट व्हेन लंग कॉन्ट्रैक्ट, जो एयर कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड वो इससे बाहर आता है और लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता रहता है, फूलता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़न, फिर फूल जाना, फिर सिकुड़ जाना, फिर फूल जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट, लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जो लंग है उसमें ब्लड वेसल सही अमाउंट में सप्लाई किए जाते हैं। व्हेन द एयर रिचेज द लंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड ब्लड, जब भी लंग्स के अंदर गैस सप्लाई की जाती है तो जो एयर एयर और ब्लड इसके अंदर भर जाते, जो एयर है वो ब्लड वेसल्स के अंदर भर जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इन टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड ब्लड पासिस इन टू द एयर। ऑक्सीजन जो है वो हमारा ब्लड के अंदर पास हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से फिर वापस एयर में चला जाता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक कैरी किया जाता है ब्लड के थ्रू। वेल्स, डॉल्फिन आर मैमल, वेल और डॉल्फिन जो है वो मैमल्स हैं, देयरफॉर दे आर लंग्स ब्रेथर इवन दो दे लीव इन वाटर, इसीलिए जो ये लंग ब्रेथ करते हैं और हम पानी के अंदर ये आराम से रह पाते हैं। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू एयर ट्यूब, जो इंसेक्ट है वो ब्रेथ कर पाते हैं एयर ट्यूब ट्यूब के थ्रू। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू एयर ट्यूब्स, इंसेक्ट जो है वो कैसे अपने एयर ट्यूब से ब्रेथ करते हैं, एयर ट्यूब्स मतलब इंसेक्ट के अंदर जो एयर ट्यूब्स होते हैं, यानी जो हल्के हल्के इनके अंदर जो छेद होते हैं जहाँ से इनके बाल निकल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर ट्यूब्स। माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल, माइक्रोब्स या माइक्रोस्कोपिक एनिमल एनिमल लाइक अमीबिया, पैरामीशियम ब्रेथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, वो अपने बॉडी सरफेस यानी अपनी बॉडी की सतह से ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स मीन्स वो एनिमल जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल। ये ब्रेथ करते हैं अपने बॉडी सरफेस से, अपने बॉडी की सतह से ये ब्रेथ कर पाते हैं। इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू देयर होल्स, जो इंसेक्ट है वो अपने एयर होल्स से, उनके अंदर जो हेयर होल्स होते हैं यानी जो छेद होते हैं उनकी बॉडीज पे जो छेद होते हैं ये उससे ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं। इस होल्स को हम स्पायरिकल्स कहते हैं, दीज होल्स आर कॉल्ड स्पायरिकल्स, इन होल्स को हम स्पायरिकल्स कहते हैं। द स्पायरिकल्स लीड टू एयर ट्यूब विच फॉर्म ए फाइन नेटवर्क दैट रिच एवरी टिश्यूज ऑफ द बॉडी, जो स्पायरिकल्स होते हैं उसमें हेयर ट्यूब्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं एक फाइन नेटवर्क जो कि उनकी पूरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। द बॉडी टिश्यू टेक
इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज पम्प्ड आउट। जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं, मीन्स जो इनकी बॉडीज के सेल होते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। बिल्कुल हमारी तरह, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम सांस की सांस में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम तरीके से ये भी करते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं बॉडी सरफेस के बारे में। अर्थ वॉर्म एंड सम वेरी टीनी क्रिएचर ब्रेक थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अब उन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जो अपने बॉडी की सरफेस यानी अपने बॉडी की सतह से सांस लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जैसे आप ये देख सकते हैं, ये आपका अर्थवॉर्म है, ठीक है। अर्थवॉर्म और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर, और भी बहुत सारे क्रिएचर हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं आपका लीच, अर्थवॉर्म, ये अपने बॉडी सरफेस से मतलब अपने बॉडी से ब्रेथ करते हैं। इनके पास लंग्स, गिल्स, ये सब नहीं होती है। चलिए पढ़ते हैं फिश कैसे ब्रेथ करती है। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स, जो फिश है वो अपने गिल्स से ब्रेथ करती है। ओके स्टूडेंट, फिश जो है वो अपने गिल्स से ब्रेथ करती है। फिश ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स, दे टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वॉटर। गिल्स आर स्पेशल ऑर्गेन दैट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। फिश ब्रेथ करती है अपने गिल्स से, ये ऑक्सीजन लेते हैं पानी, ये पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। गिल्स एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है हमारे ब्लड वेसल्स में। व्हेन वाटर फ्लो ओवर द गिल एंड एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, जब वाटर फ्लो करता है गिल्स में और वो गैस को एक्सचेंज कर देता है, मतलब वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। गिल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर ब्लड। ऑल द एक्वेटिक एनिमल लाइक क्रैब, प्राउंस, ऑस्टर्स ब्रीथ इन द सेम वे। ये भी सेम तरीके से ब्रीथ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ए फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है। बेबी फ्रॉग और अ टेडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल, जो बेबी फ्रॉग है और टेडपोल है वो ब्रीथ करते हैं अपनी गिल्स से। एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट मॉइस्ट स्किन अंडर द वॉटर। जो फ्रॉग है वो एक एम्फीबियन है। बेबी फ्रॉग और टेडपोल जो है वो ब्रीथ करते हैं अपने गिल्स से, गिल्स से ब्रीथ करते हैं और फिर वो अपने लंग्स के थ्रू, लंग्स से या लैंड से, लंग से और अपने स्किन से वाटर को मॉइस्ट करते हैं और गैस बाहर छोड़ देते हैं। फीडिंग इन एनिमल्स, अब एनिमल फीड कैसे करते हैं यानी एनिमल खाना कैसे खाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल नीड फूड, एनिमल को फूड चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। टू गेट एनर्जी टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एंड स्टे हेल्दी, एनिमल को एनर्जी चाहिए ताकि वो अपना डिफरेंट काम कर सके और हेल्दी रह सके। डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट एनिमल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं। देयर फीडिंग हैबिटेट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, जो उनकी जो एनिमल्स की जो हैबिट होती है, फीडिंग हैबिट होती है, वो उनके खाने पे डिपेंड करती है। दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म टू गेट और कैप्चर देयर फूड, इनके पास डिफरेंट प्रोसेस होता है कि ये अपने फूड को कैसे प्राप्त करें, कैसे उसे खाएं। द माउथ पार्ट आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे टेक इन एंड देयर वे ऑफ ईटिंग। जो माउथ पार्ट है वो मॉडिफाई किया गया है, मतलब हर एनिमल अपना फूड कैसे लेता है, उसे कैसे खाता है, इसके इस पे हमें आगे बताया गया है। ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, जो ऑर्गन है वो कैसे फीड करते हैं, कैसे खाते हैं, उन्हें उनका क्या नाम है, वो क्या खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल है उन्हें डिवाइड किया गया है। हार्बिवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस, रोडेंट। हार्बिवोरियस लाइक काउ, गॉट, जिराफ ईट ग्रास, ग्रीन प्लांट। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग बोट टीथ फॉर चूइंग। हर्बिवोरियस जैसे कि काउ, गॉट, जिराफ ईट ग्रीन प्लांट। काउ, गॉट या जिराफ ये ईट करते हैं ग्रीन प्लांट को।
दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनकी जो सामने की टीथ होती है, आगे के दांत जो होते हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ताकि ये जो इनको ग्रास वगैरह मिलती है उन्हें सही तरीके से बाइट कर सके, चबा सके। अब बात करते हैं कार्निवोरियस की। कार्निवोरियस यानी द लॉयन, टाइगर, कैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व फ्रंट टीथ फॉर टेयरिंग द फ्लैश। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू क्रश बोन्स। कार्निवोरियस यानी लॉयन, टाइगर, कैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। लॉयन, टाइगर, काउ ये फ्लैश खाते हैं, फ्लैश यानी मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स के। इनके जो टीथ होते हैं बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ताकि ये फ्लैश को सही तरीके से टियर कर सके, टियर यानी फाड़ सके, फ्लैश यानी मांस, मांस को ये सही तरीके से फाड़ सके। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, और साथ ही साथ इनकी जो टीथ होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि कोई भी चीज आराम से ग्राइंड कर सके यानी पीस सके, और इनकी बोन्स को क्रश कर सके। बोन्स को क्रश कर सके मतलब जो एनिमल्स ये है जिसकी फ्लैश खाते हैं उनके बोन्स को क्रश कर सके यानी तोड़ सके। अब बात करते हैं ओमनिवोरियस की। एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश आर कॉल्ड ओमनिवोरियस। वो एनिमल जो दोनों प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं उन्हें हम ओमनिवोरियस एनिमल्स कहते हैं। ह्यूमन, बियर, क्रो आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स। ह्यूमन, बियर, क्राउ ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। दे देयर फॉर हैव वेल डेवलप्ड कैनिन फॉर टेयरिंग मीट। इसीलिए इनके पास बहुत ही डेवलप्ड कैनिन होता है। कैनिन मतलब कैनिन हमारा दांत होता है, दांत जो हमारे आगे के फ्रंट दांत होते हैं उन्हें हम कैनिन कहते हैं। एंड एज वेल एज बोर्ड एंड फैट मोरल फॉर क्रशिंग वेजिटेबल और फ्रूट। और इनके जो इनके मोरल जो होते हैं यानी जो हमारे पीछे के जबड़े के दांत होते हैं वो भी इनके बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, ताकि ये किसी भी वेजिटेबल और फ्रूट को सही तरीके से क्रैश कर सके। अब बात करते हैं रोडेंट की। एनिमल लाइक रैबिट, एनिमल जैसे रैबिट, रैट, स्क्वायरल, स्क्वायरल यानी गिलहरी, जो कि सीड खाते हैं और फ्रूट खाते हैं, इनके आगे के दांत जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉल और शार्प होते हैं। बर्ड ईट वेरियस काइंड ऑफ फूड। सम बर्ड फीड ऑन एनिमल ओनली वाइल अदर आर वेजिटेरियन। कुछ बर्ड्स, अब बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, बर्ड्स कैसे अपना खाना खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खाने खाना बर्ड खाते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल फीड करते हैं यानी वो एनिमल ही खाते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वो घास वगैरह खाते हैं। बर्ड हैव ब्रीक स्पेशली डिजाइन टू कैच और पिक देयर फूड। बर्ड्स के पास पीक होती है, पीक यानी चोच होती है जो स्पेशली बनाई गई है ताकि वो अपने खाने को कैच कर सके, पकड़ सके। हॉल्क आउल फीड ऑन स्मॉल एनिमल लाइक रैट, सो दे आर हुक्ड ब्रीक। आउल्स यानी उल्लू, रैट ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि छोटे एनिमल्स खाते हैं, इसीलिए इनकी जो चोच होती है वो हुक्ड होती है। हुक्ड मतलब बहुत ही नोकीली होती है, किसी भी एनिमल्स को ये आराम से पिक कर पाते हैं। द ब्रीक ऑफ डेग आर बोर्ड एंड नोच्ड फॉर स्कूपिंग एंड स्ट्रेनिंग दी मड। जो ब्रीक होती है, ब्रीक यानी चोच होती है डग की, वो बहुत ज्यादा बोर्ड होती है, बोर्ड यानी चौड़ी होती है, ताकि वो मड में यानी पॉन्ड में या पानी में इजली स्कूप कर सके। स्कूप मतलब अपनी चोच डाल के एनिमल्स को या जो छोटे स्मॉल इंसेक्ट होते हैं उन्हें निकाल सके और खा सके। द ब्रीक ऑफ स्पैरो, जो स्पैरो होती है, स्पैरो क्या होते हैं, स्पैरो होती है आपकी चिड़िया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्पैरोज की जो बीक होती है, चोच होती है, वो शॉर्ट होती है, स्ट्रेट होती है और बहुत ज्यादा यूजफुल होती है सीड को क्रश करने में, क्रश यानी सीड को तोड़ने में। सम बर्ड लाइक लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर यूज देयर फिट, देयर काउल टू कैप्चर देयर प्रे। कुछ बर्ड होती है लाइक काइट, काइट यानी आपकी चील, ईगल, बाज, वेल्चर, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फीट यानी पैरों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपने प्रे को पकड़ सके, प्रे यानी शिकार को पकड़ सके।
मूवमेंट ऑफ एनिमल, चलिए अब एनिमल के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एनिमल अनदर, एनिमल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं। फर्स्ट इन सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च में। सेकेंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड देयर बेबीज फ्रॉम बींग हॉन्टेड, और अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उन्हें कोई हंट ना कर सके, उन्हें कोई खा ना सके, उनका कोई शिकार ना कर सके। एंड थर्ड टू बिल्ड रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, और थर्ड कि वो कैसे अपने नेस्ट को बिल्ड कर सके और ब्रीड कर, और कहाँ वो ब्रीड कर सके, ब्रीड मतलब कहाँ वो अपने बेबीज को बर्थ दे सके। ऑर्गन ऑफ मूवमेंट, अब मूवमेंट ऑर्गन का कैसे मूवमेंट होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स के वो कैसे काम करते हैं उस बारे में पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट और लिम्स फॉर मूवमेंट, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी, बॉडी के पार्ट होते हैं और लिम्स होते हैं मूवमेंट करने के लिए। मोस्ट एनिमल हैव, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास फोर लिम्स होते हैं। टू इन द फ्रंट, दो फ्रंट में होते हैं उन्हें फोर लिम्स कहते हैं। दो बैक में होते हैं उन्हें हिंड लिम्स कहते हैं। सम एनिमल यूज ऑल द फोर लिम्स टू मूव वाइल अदर यूज ओनली द हिंड पेयर, बाकी जो दूसरे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंड पेयर यूज करते हैं। लेट अस रीड अबाउट द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, चलिए अब पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल के बारे में। मूवमेंट ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट कैसे मूवमेंट करते हैं वो पढ़ते हैं। ऑल इंसेक्ट हैव थ्री पेयर ऑफ लंग्स, सभी इंसेक्ट जो है उनके पास तीन पेयर ऑफ लेग होते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ ही साथ मैनी ऑफ देम हैव वन और टू पेयर ऑफ विंग्स, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक या दो पेयर होते हैं विंग्स के, यानी पंख के। The wings of insect are different from those birds, ये जो wings होती है insect की, ये birds से बहुत ही different होती हैं। The wing may made up of teeny colored स्केल, जो विंग्स हैं वो टीनी कलर यानी डिफरेंट कलर से बने हुए हैं। मोस्ट इंसेक्ट वॉक बाय मीन ऑफ देयर लेग्स लाइक कॉकरोच, बीटल, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो वॉक करते हैं अपने पैरों से, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, जैसे कि कॉकरोच हो गया, बीटल, बीटल यानी छोटे कॉकरोच हो गए। अ ग्रास होपर यानी कीकड़े, टिड्डे, ग्रॉस ओवर मतलब टिड्डे, यूज इट्स लॉन्ग हिंड लिंग फॉर हॉपिंग, स्विमिंग। इंसेक्ट लाइक वाटर बोटमैन यूज देयर लंग एज ओर वाइल स्विमिंग, बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो पानी में मिलते हैं, जो कि अपने लेग्स यूज करते हैं मूवमेंट करने के लिए। इन सम अदर इंसेक्ट लेग्स आर यूज ओनली फॉर लैंडिंग और रेस्टिंग एज द लेग आर थिन वीक लाइक बटरफ्लाई एंड मॉथ, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो कि लेग यूज करते हैं लैंड करने में, रेस्ट करने में। उनकी जो लेग होती है बहुत ज्यादा थिन होती है, वीक होती है, जैसे कि बटरफ्लाई और मोथ। बटरफ्लाई, मोथ ये अपने लेग्स को यूज करते हैं, जब भी ये बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो रेस्ट करने के लिए ये अपने लेग्स यूज करते हैं। मूवमेंट ऑफ बर्ड, अब बर्ड, बर्ड्स की, बर्ड कैसे मूवमेंट करती है उसके बारे में पढ़ते हैं। बर्ड कैन वॉक ऑन लैंड एंड फ्लाई इन एयर, बर्ड जो है वो वॉक करती है लैंड पे और फ्लाई करती है एयर में। ऑल बर्ड हैव वन पेयर ऑफ विंग, सभी बर्ड्स के पास विंग्स के सिर्फ एक पेयर होते हैं, पेयर मतलब दो, दो पंख होते हैं। दीज आर द मॉडिफाइड फॉरलिंग्स, इसे हम मॉडिफाइड फॉरलिंग्स कहते हैं। The wings are attached to the breastbone of the bird with the help of strong muscle, ये जो wings होती है ये attach होती है इनकी breast bone से, जो कि इनके muscles को strong बनाती है। The muscle help the bird to move its wing up and down, जो muscles होती है birds को बहुत ज़्यादा help करती है उनके wings को up और down करने में, wings यानी पंख को up और down करने में। When a bird लैंड आफ्टर फ्लाइट, जब भी एक बर्ड जो है वो लैंड करती है फ्लाइट करने के बाद, इट यूज इट्स हिंड लिम्स, ये यूज करते हैं उसकी हिंड लिम्स को, अपने हिंड लिम्स यानी जो पीछे की लिम्स होती है ये उन्हें यूज करते हैं। इट ऑल्सो यूज देम फॉर रनिंग, वॉकिंग, होपिंग एंड प्रीचिंग,
बर्ड्स अपने लिंग्स को भागने के लिए, वॉक करने के लिए, हॉपिंग करने के लिए यानी अपने शिकार को ढूंढने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, प्रीचिंग यानी जो वो खाना लेकर आते हैं उसको बाइट करने में, तोड़ने में भी हेल्प करते हैं। दो ऑल बर्ड हैव विंग, सम आर अनेबल टू फ्लाई बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग। दी एम्यू, ऑस्ट्रिच, कीवी कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। सभी बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत, ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जो कि उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज देयर विंग्स, जो उनकी विंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं फ्लाई करने में, जैसे कि अमू, ऑस्ट्रिच, कीवी, जो कि फ्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उसमें कौन कौन से बर्ड्स आते हैं स्टूडेंट? इमू, ऑस्ट्रिच, कीवी, विच कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, जो कि फ्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर एनिमल, चलिए अब वाटर एनिमल कैसे मूवमेंट करते हैं, मतलब कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कैसे उनकी मूवमेंट होती है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिशेज हैव फाइंस, जो फिशेज होती हैं उनके पास फिन्स होती हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं मूव करने में पानी में। द साइज एंड नंबर ऑफ फिन डिफर इन डिफरेंट फिशेज, डिफरेंट फिशेज में मतलब फिशेज में जो फिन्स के नंबर होते हैं, फिन्स यानी जो इनके ये दिख रहे हैं आपको, ये फिन्स, ये डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑल फिशेज यूजली हैव टू पेयर ऑफ फिन्स क्रॉसपॉन्डिंग टू द फोर एंड हिंड लिंब ऑफ एनिमल। वन और मोर अनपेयर्ड फिन, देयर टेल ऑल्सो हैज अ टेल फिन। बहुत सारी फिशेज होती हैं जिसमें दो पेयर ऑफ फिन्स होती हैं, जिन्हें हम फोर लिम्स और हिम लिम्स कहते हैं। जैसे एनिमल्स में फोर लिम्स और हिम लिम्स होती है, बिल्कुल वैसे ही। और जो इनकी पीछे की टेल होती है इसे भी फिन्स कहा जाता है। द अनपेयर फिन्स सर्व इन मेंटेनिंग बैलेंस, जो अनपेयर लिम्स होते हैं वो वाटर एनिमल को हेल्प करते हैं उनके बैलेंस बनाने में। द टेल फिन इज द मेन प्रोपेलर, प्रोपेलिंग द फिश फॉरवर्ड, जो कि फिश को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। जिसकी टेल फिश होती है, टेल फिन्स होती है, ये वाटर एनिमल्स को यानी जो फिश वगैरह होती हैं उन्हें आगे बढ़ने में, पानी में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। द पेयर्ड फिन्स सर्व एज ऑर्स व्हेन द फिश इज स्विमिंग स्लोली, जो कि जब भी फिश स्लोली स्लोली स्विम करता है तो जो ओर्स होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। टर्टल हैव फोर पैडल लाइक लिंग्स टू पुश वाटर एंड टू स्विम, जो टर्टल होते हैं उनके पास फोर पैडल होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं लिंब करने में, पानी को पुश करने में और स्विम करने में। पेंगुइन यूज देयर टू फोर लिंब्स, जो पेंगुइन्स होती हैं वो अपने दो फोर लिंब्स को हेल्प करते हैं क्योंकि वो बहुत फ्लिपरी होते हैं पानी को पुश करने में और स्विम करने में। फ्रॉग हैव वेब्ड फीट टू स्विम, जो फ्रॉग होते हैं उनके पास वेब फीट होते हैं स्विम करने के लिए। वेब फीट मतलब जो कि उनके पानी में हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बट वेन ऑन लैंड दे जंप विद हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग हिंड लेग्स, बट जब वो लैंड पे रहते हैं फ्रॉग्स तो उनके जो आगे के पैर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं वही उन्हें हेल्प करते हैं बढ़ने में। मूवमेंट ऑफ रेप्टाइल, चलिए रेप्टाइल कैसे मूवमेंट करती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेप्टाइल यानी कि मगरमच्छ, गिलहरी, ये सब कैसे मूवमेंट करते हैं वो पढ़ लेते हैं। सम रेप्टाइल हैव लिम्स, कुछ रेप्टाइल्स हैं जिनके पास लिम्स होती हैं, वाइल अदर डू नॉट पोसेस लिम्स, कुछ के पास लिम्स नहीं होती। रेप्टाइल लाइक लिजर्ड, रेप्टाइल जैसे कि लिजर्ड, लिजर्ड यानी छिपकली, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस यानी आपका कछुआ, टर्टल, क्रोकोडाइल यानी आपका मगरमच्छ, हैव लिम्स, जिनके पास लिम्स होती हैं, स्टिल दे क्वेरल, फिर भी ये क्वेरल करते हैं ग्राउंड पे यानी रेंगते हैं ग्राउंड पे। क्वेरल मतलब स्टूडेंट रेंगना। स्नेक आर रेप्टाइल्स दैट डू नॉट हैव लिम्स, स्नेक जो जैसे कि रेप्टाइल जो कि जिनके पास लिम्स नहीं होती, दे हैव बॉर्डर प्लेट और स्केल ऑन द लोअर साइड ऑफ देयर बॉडी, इनके पास बॉर्डर प्लेट्स होती हैं और जो कि इनके बॉडी के नीचे वाले हिस्से में यानी बॉडी के निचले हिस्से में होता है। दीज प्लेट हैव देयर फ्री एंड फेसिंग बैकवर्ड सो
दैट दे कैन कैच अगेंस्ट एनी रफ सरफेस, ये जो कि उनको हेल्प करता है बैक सरफेस पे मूव करने के लिए, जो रफ सरफेस पे मूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है। ईच प्लेट इज अटैच अ पेयर ऑफ लिम्स, हर एक प्लेट जो है वो अटैच है पेयर ऑफ लिम्स से, विच एक्ट समवट लाइक लेग्स विद ईच प्लांट एज फूड, जो कि उनको हेल्प करता है हर एक प्लेट को, मतलब हर एक फूड को, उनके हर एक पैर को आगे मूव करने में हेल्प करता है। अब मूवमेंट ऑफ मैन के बारे में पढ़ लेते हैं, मैन कैसे मूवमेंट करता है, मैन कैसे चलता है। लिम्ब ऑफ ह्यूमन बींग आर हाईली डेवलप्ड, जो लिम्ब्स होते हैं ह्यूमन्स के बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। दे यूज ओनली वन पेयर ऑफ लिम्ब्स, ये सिर्फ वन पेयर ऑफ लिम्ब्स जो कि लोअर लिम्ब्स होते हैं, जो कि इनकी बॉडी को सपोर्ट करता है, उसका हेल्प लेते हैं। पेयर ऑफ लिम्ब्स, ये जो पेयर ऑफ लिम्ब्स होता है जिससे ह्यूमन चलते हैं उसे हम लेग्स बोलते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करता है वॉक करने में, रन करने में, स्टैंड होने में। दी अदर पेयर ऑफ लिम्ब्स कॉल्ड हैंड, जो दूसरे पेयर ऑफ लिम्ब्स हैं वो हैं उनके हैंड, जो कि उन्हें हेल्प करता है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में, किसी भी वस्तु को पकड़ने में। दी अरेंजमेंट ऑफ थंब अपोजिट टू फिंगर अनेबल देम टू होल्ड, जो अरेंजमेंट होती है थम्स की जो फिंगर के जस्ट अपोजिट होती है, थंब यानी अंगूठा, जो फिंगर के जस्ट अपोजिट साइड में होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ह्यूमंस को किसी भी चीज़ को होल्ड करने में, पकड़ने में। चलिए पढ़ लेते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज अ पीरियडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक टू देयर ओरिजिनल होम। माइग्रेशन एक मूवमेंट होती है, माइग्रेशन एक मूवमेंट यानी प्रक्रिया होती है जिसमें एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाता है थोड़े टाइम के लिए, और कुछ टाइम बाद वो वापस अपने उसी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाता है, अपने ओरिजिनल घर पे आ जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइग्रेशन। आई रिपीट, व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन एक मूवमेंट होती है एनिमल के द्वारा, मूवमेंट यानी कहीं जाना और वापस आना। माइग्रेशन एक पीरियडिक मूवमेंट होती है, मतलब सिर्फ थोड़े टाइम के लिए एक मूवमेंट होती है जिसमें एक एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है और थोड़े टाइम के बाद वापस वो अपने ओरिजिनल प्लेस में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। एनिमल माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर इन सर्च फॉर फूड इन सर्च ऑफ देयर ब्रीडिंग ग्राउंड। एनिमल जो है वो माइग्रेट यानी पलायन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो जो उस वक्त कठोर वेदर है उससे बच सके, खाने को ढूंढ सके और अपनी ब्रीडिंग को सर्च कर सके। ब्रीडिंग यानी उनके जैसे और जो भी एनिमल्स हैं उन सबको सर्च कर सके। सम बर्ड, कुछ बर्ड जैसे कि स्टॉर्क, सिब्रियन क्रेन्स, मलार्ड डक माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड रीजन वेयर फूड ऑल्सो बिकम स्केयर इन विंटर, और जो फूड है वो भी स्केयर हो जाता है इस विंटर में। दे गो टू द अदर प्लेस वेयर फूड इज अनेबल एंड वेदर इज लेस सर्व, वो दूसरे प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे फूड उन्हें अवेलेबल होता है और जहाँ पे लेस सर्व वेदर जो है वो इतना ज़्यादा खराब नहीं होता। मतलब लेट मी एक्सप्लेन यू स्टूडेंट, बर्ड, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जैसे सिब्रियन क्ले, जब भी इन्हें ये अपने एटमोसफेयर ये वेदर के अकॉर्डिंग एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, इन्हें कोल्ड रीजन में रहना पसंद है, इसलिए जहाँ पे सर्दी होती है ये वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ टाइम बाद सपोज जो सिब्रियन बर्ड्स हैं ये इंडिया में हैं, इंडिया में सर्दी है तो यहाँ पे रहेंगे, अगर यहाँ गर्मी आ जाएगी तो ये यहाँ से वापस कहीं और चले जाएंगे, फिर जब सर्दी आएगी फिर वापस यहाँ वापस हमारे इंडिया आ जाएंगे। तो ये जो इनका एक जगह से दूसरी जगह जाना फिर वापस आना, इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर्कटिक टर्न इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड। आर्कटिक टर्न जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग माइग्रेटरी बर्ड है। इट ट्रेवल डिस्टेंस, ये इतना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इट्स नेचुरल होम इन द आर्टिक रीजन, इसका जो नेचुरल होम है वो आर्टिक रीजन है। टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ के दूसरे एंड पर है, हमारा ये अर्थ है, अर्थ के एक पोल पे यहाँ पे आर्टिक रीजन है, यहाँ पे हम हैं, तो ये जो येलो रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पे ये आर्टिक टर्न पाए जाते हैं। ओके, फिशेज ऑल्सो माइग्रेट, जो फिश है वो भी माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटरी फिश लाइक सील्स स्पेंड देयर लाइफ इन रिवर, दे ट्रेवल टू द सी टू ले एग, द यंग वन हैच एंड ग्रो इन द सी, लेटर दे टर्न टू द रिवर।
फिश जो है वो भी माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटरी फिश जो होती है वो जैसे कि सील, वो स्पेंड करती है अपनी पूरी की पूरी लाइफ रिवर में, मतलब पूरा जीवन वो रिवर में रहती है। वो सी यानी समुद्र में जाती है जब उसे एग ले करना होता है यानी अंडे देने होते हैं। फिर वहां पे वो अंडे हैच करके यानी अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद कुछ टाइम तक जो उस अंडे से बच्चे निकलते हैं वो उस सी में ही रहते हैं, सी में यानी उस समुद्र में रहते हैं। रहने के थोड़े टाइम बाद वो वापस रिवर में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका माइग्रेशन ऑफ फिश। चलिए पढ़ते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है स्टूडेंट? सम एनिमल स्लिप थ्रू आउट द कोल्ड वेदर इन हाइबरनेशन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरे लाइफ टाइम में कोल्ड वेदर में ही रहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। दिस स्लिप इज नॉट लाइक नॉर्मल स्लिप, देयर लाउड नॉइस कैन वॉक वेक देम अप। जो इनकी स्लिप होती है ये नॉर्मल नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा नॉइसी होती है। ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी सोते हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में एनिमल अपीयर डेड। एनिमल ऐसा दिखता है जैसे कि कहीं, जैसे कि वो मर गया हो। दे आर बेरली ब्रेथ एंड देयर ग्राउंड टेम्परेचर इज नियर ऑफ फ्रीजिंग मार्क। ये ब्रेथ ढंग से न, ये सही से सांस नहीं लेते, इनकी बॉडी मूव नहीं करती। जो वहाँ का टेम्परेचर होता है जहाँ पे ये बर्ड, जहाँ पे ये एनिमल सो रहे होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हाउएवर एज द वेदर गेट वार्म, जैसे जैसे वेदर वापस वार्म होता है, गर्म होता है, ये एनिमल्स वापस अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग द हाइबरनेशन, हाइबरनेशन के दौरान एनिमल यूज देयर बॉडी फैट। एनिमल जो है वो अपनी बॉडी का फैट, उनके बॉडी के अंदर जो फैट होता है, फैट एक टाइप का न्यूट्रिएंट होता है, उसको यूज करते हैं। दिस कॉज द एनिमल टू कम आउट ऑफ हाइबरनेशन थिनर, जो कि हेल्प करता है एनिमल को हाइबरनेशन से बाहर आने में। बट स्टिल एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज बिफोर, जैसे कि जो कि उन्हें उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाता है जैसे कि वो पहले थे। सम कॉमन एनिमल दैट गो इन टू द हिबरनेशन आर द अर्थ वॉर्म, स्नेक, बियर, फ्रॉग एंड फैट। कुछ ऐसे भी कॉमन एनिमल हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो हिबरनेशन करते हैं जैसे कि अर्थ वॉर्म, स्नेक, बियर, फ्रॉग एंड बैट। ये भी हिबरनेशन करते हैं। दोबारा से स्टूडेंट मैं आपको एक बार ये पूरा पैराग्राफ शॉर्ट में समझा देती हूँ। हिबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल थोड़े टाइम के लिए सो जाते हैं, कोल्ड वेदर में काफ़ी टाइम के लिए सो जाते हैं, बिकॉज वो कोल्ड वेदर वो एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। इस टाइम पे एनिमल्स जो होते हैं वो करीबन 1, 2, 3 महीने के लिए सो जाते हैं, ताकि जब वापस गर्मी आए तो वो वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर ले। ऐसे में ऐसे हाइबरनेशन एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? आपके अर्थवॉर्म, स्नैक, बियर, फ्रॉग और बैट, ये आपके हाइबरनेशन एनिमल्स होते हैं। चलिए अब की टर्म्स को पढ़ लेते हैं। हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस इन विच एनिमल लिव कंफर्टेबली इज नोन एज हैबिटेट। वो प्लेस जहाँ पे एनिमल कंफर्टेबली यानी आराम से अपनी जिंदगी जीता है उसको हैबिटेट कहते हैं। स्पाइरिकल्स, एयर होल्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ सम एनिमल। कुछ एनिमल्स के बॉडी सरफेस पे हेयर होल्स होते हैं यानी छेद होते हैं, उसे हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? पीरियडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना, फिर दूसरी जगह से वापस पहली जगह पे आना, इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। हिबरनेशन, सम एनिमल लाइक अर्थ वॉर्म स्लीप थ्रू आउट द कोल्ड वेदर इन हाइबरनेशन। कुछ एनिमल जैसे कि अर्थ वॉर्म स्लीप करते हैं, सो जाते हैं पूरे पूरे कोल्ड वेदर में यानी पूरे सर्दी के मौसम में। कुछ एनिमल सोते रहते हैं, उस सोने ते रहने को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन बोलते हैं। चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। सराउंडिंग इन विच एनिमल लीव ग्रो इज कॉल्ड एनवायरमेंट। वो सराउंडिंग जिसमें एनिमल रहता है और ग्रो करता है उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। एनिमल हैव ऑर्गेन, एनिमल्स के पास ऑर्गेन होते हैं जिससे वो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, फीड कर सकते हैं, खा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस यानी बर्थ दे सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं।
ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सूट कर सके, यानी ताकि वो उस एनवायरनमेंट में आराम से रह सके. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर. दिस इज ऑल अबाउट इन आवर चैप्टर. थैंक यू.